नमस्कार, स्वागत है आपका भोजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में। मैं अंशु पटेल। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबर की। लॉकडाउन का अच्छा खासा असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घरों में दुबके लोग। भगवानपुर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में तीरथ सिंह रावत सरकार द्वारा लागू किए गए रविवार का लॉकडाउन का अच्छा खासा असर भगवानपुर सहित मक्खनपुर, सिकंदरपुर, रायपुर, चोली, शाहबुद्दीनपुर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। बीती रात्रि ही पुलिस ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने शुरू कर दिए थे। तीरथ सिंह रावत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए भगवानपुर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करनी आरंभ कर दी थी तथा 9 बजते ही मानो शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई। इधर पुलिस प्रशासन ने भी तीरथ सिंह रावत सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट, अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की अपील करते नजर आए। इधर मंडावर चौकी प्रभारी मनोज ममगई अपने क्षेत्र चोली, शाहबुद्दीनपुर, छापुर शहर, अफगानपुर व हुब्बनपुर, लतीफपुर में लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराते देखे गए। यही नहीं, प्रशासन द्वारा जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सक सेवाएं, दूध की डेयरी, सब्जी की दुकान को इससे अलग रखा गया। भोजन इंडिया 24 के लिए भगवानपुर से विजेंद्र बर्मन की रिपोर्ट। भाग दे रहा हूँ।